साहब 3-4 महीने से स्ट्रगल कर रहे हैं और लोगों के दिनों में बस गए हैं। जैसे इनके मन की सच्चाई अंदर से बोल रहे हैं, तो इससे लिहाज से तो लग रहा है कि 100% वोटिंग जो होगी वो गौरी शंकर के हक में होगी। जी गौरी शंकर जी हैं, अगर गौरी शंकर जी हैं तो बेदाग हैं, वक्त हैं, वक्त हैं, ऊपर वाले के भी वक्त हैं और दुनिया के भी वक्त हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वोट के हमारे ज्यादा हकदार हैं और वोट आपने इनको करना है। वस्त्र जी को देखो जी, मैं झूठ बोलता नहीं, पहली बार मुलाकात हुई है, लेकिन मुझे बातों से लगा कि कुछ सच्चाई है अंदर इनके, दिल के अंदर जो है ईमान है, ईमानदारी है। ईमानदार जिसके अंदर ईमान होगा वो सच बोलेगा, ना धड़क बोलेगा। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि सच बोलेंगे हम भी इन सच्चाई का साथ देंगे। सच्चाई जो होगी ना, तो कोई सीधी बात है जी, बेदाग आदमी है नेता को हमारा दिल कहता है कि वोट दें, वो वोट दें। सबने लूट लिया हमारे को, हमारा कोई भी सुनाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ जाति बांटने वाले आते हैं हमारे बीच, जो भी आते हैं चाहिए इनके अंदर। हमने कुछ बातें सुनी तो इसलिए कहते हैं कि मास्टर साहब को वोट दिया जाए। भक्त है और इनकी दिलों की सच्चाई हमारे अंदर बस गया है, और हम जितने भी लोग हैं, मुझे उम्मीद है कि वोट करेंगे 95% मास्टर साहब को करेंगे। गौरी शंकर की बात है, हमारे दिल में ये बस गए हैं, ईमानदार है, जहाँ तक है जो है पूरा मतलब के 100% वोट जो है महाराज से इसके साथ है। सर साहब, आज सुबह से तकरीबन 11 बजे हमारे साथ मुखातिब हुए, तो अब दिन के शायद 2-2.5 बज रहे हैं, तो इनसे जो तबादले ख्याल हुए, जो अरमान इसके हमने सुने, तो ये अरमान जो इनके दिल के थे वो हमारे दिल में बस गए, क्योंकि ये सच्चे हैं, पक्के हैं और खानदानी हैं, झूठ पसंद नहीं है। तो इनके हालात हम देखकर हमें बहुत खुशी हुई है, और हम 100% वोट जिस कदर भी हमारे इलाके का होगा वो इनको दिया जाए। नजोत का रिजल्ट जो है 101% मास्टर गौरी शंकर के पास। और रही बात मुद्दों की, तो कुछ मसले ऐसे थे कि जिनकी सरकार चल रही है, अभी पीछे गर्मियों की बात थी, तो वहां पर कुछ मुद्दे ऐसे थे कि पानी तक लोगों को पीने के लिए नहीं था, तो सिर्फ एक फोन करने की वजह से मास्टर जी ने पूरे इलाके में पानी का बंदोबस्त किया। तो अभी लोग उनके दिल में बस गए हैं और 101% उनके साथ ही।